बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में आप जा रहे हो एक मल्टीनेशनल कंपनी है कि नहीं है, क्योंकि एचआर या रिक्रूटर्स कई बार आपको ये बोल देते हैं कि यस यस वी हैव अ मल्टीनेशनल ब्रांच एंड वी हैव दी ऑफिसेस इन दिस लोकेशन दिस लोकेशन। मल्टीपल लोकेशंस आपको बता देते हैं कि इतने मेरे ब्रांच हैं, इतने मेरी ब्रांच हैं, इतने ऑफिस लोकेशन हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। बट द थिंग कि आपको भी ये चेक करना होता है कि क्या जो एचआर हैं या रिक्रूटर्स हैं वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या वो सच में एक मल्टीनेशनल कंपनी है कि नहीं है। क्योंकि कई बार एचआर आपको एक तरीके से हायरिंग करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं या गोली भी दे देते हैं, तो वो चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने बेसिक कुछ 7 से 8 पॉइंट निकाले हैं काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद में। हालांकि वो पॉइंट्स मैंने चैट जीपीटी से उठाए हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंपल एक बार सिंटेक्स नहीं डाला है, 4-5 तरीके से सिंटेक्स जो बेसिकली क्वेश्चन डालते हैं वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ। तो मुझे बेस पॉइंट इस पर्टिकुलर सेंटेक्स से मिले हैं, हाउ टू नो मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे कुछ बेस्ट पॉइंट हैं बेसिकली, आप चाहो तो चैट जीपीटी में ये सेंटेक्स डाल के भी आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसको हिंदी में एंड एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो ग्लोबल प्रेजेंस मीन्स, देखो ग्लोबल प्रेजेंस में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एमएनसीज कंपनी होती है ना, उनके मल्टीपल कंट्रीज़ में उनके ऑफिस होते हैं या मल्टीपल लोकेशन पे उनके ऑफिस होते हैं। अगर कंट्रीज़ में नहीं है तो मल्टीपल लोकेशंस उनके ज़रूर होंगे, जैसे हैदराबाद हो गई, चेन्नई हो गए, बैंगलोर हो गए, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बैंगलोर हो गए, तो ऐसी लोकेशंस पे उनके ऑफिस होते हैं। ओके, एंड साइज एंड रेवेन्यू, तो बेस आप रेवेन्यू भी पता कर सकते हो। अगर एम्प्लॉय की बात करूँ तो 50,000+ एम्प्लॉय अगर होंगे, 1 लाख के आसपास एम्प्लॉय अगर उस कंपनी में, तो समझ लेना वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। डाइवर्स वर्क फोर्स, ड्यू टू, यहाँ पे इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है कि एक तरीके से है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग होते हैं। हम जरूरी नहीं कि उस कंपनी का ऑफिस यूएसए में हो, जापान में हो, या अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ कि ये एग्जैक्ट सही है 3 नंबर पॉइंट। कई बार एमएनसीज कंपनी विद इन इंडिया भी काम करती हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। एंड इंटरनेशनल सप्लाई चैन उन्होंने दिया है, इंटरनेशनल सप्लाई चैन नहीं भी है तब भी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है। लिस्टेड ऑन द ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज चेन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सारी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मैटर होता है या पॉइंट होता है कि वो किसी ना किसी स्टॉक शेयर मार्केट या जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, उस पे वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए पब्लिकली। जो आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो कंपनी के, तो वो उस पे लिस्टेड होनी चाहिए। ग्लोबल इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज ये कहना चाह रहे हैं कि एक कंपनी मल्टीपल चीज़ों में डील कर रही है कि नहीं कर रही है, जब मल्टीपल चीज़ों में डील कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। एंड कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पे तीन, बाकी जो दो तीन अबव जो फर्स्ट पॉइंट थे, दो तीन वही मेनली आप देख सकते हो। आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट इसमें इतना वैलिड नहीं है। कई बार कंपनीज, मैं सारी कंपनी की तो बात नहीं करूँगा, बट कुछ कंपनीज कई बार अपना डेटा झूठा डाल देती हैं वेबसाइट पे, तो आप वो भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं जा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं विप्रो, आई बी टेक, महिंद्रा या ये कंपनीज फेक डाल देंगी, ये नहीं। कुछ कंपनीज अगर होंगी तो वो डाल देती हैं। आप तरह तरह के रिव्यू कर सकते हो, गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आप उस कंपनी के बारे में रिव्यू कराती हैं, तो वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो होपफुली आप समझ गए होगे कुछ एमएनसी कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए या पता करने के लिए कौन कौन से होते हैं। तो आप चाहो तो अपने चैट जीपीटी में लॉग इन करके सिर्फ ये सिंटैक्स डालोगे हाउ टू नो मल्टीनेशनल कंपनी, तो आपका सारा का सारा वहाँ पे क्लियर होके आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।